भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय चौटाला जी के नेतृत्व में तथा बीएसपी हरियाणा प्रदेश यूनिट आदि के भी अथक प्रयासों से आज माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष में सम्मान दिवस के रूप में हो रही इस विशाल महारैली में इकट्ठा हुए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल व बहुजन समाज पार्टी के बने इस गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी नेता एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को इसे सम्मान दिवस के रूप में मनाने के साथ साथ यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने बने इस गठबंधन के उम्मीदवारों के भी समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जिनको अर्थात गठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय चौटाला जी और इनके सभी साथीगण तथा बीएसपी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणधीर बैनीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे हैं और इस गठबंधन को इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमारे बीच में यहाँ मौजूद भी हैं। और अब मैं यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में अपने इस गठबंधन की अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाने के संबंध में कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पर इनको शत शत नमन वे अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही इनकी देश व जन सेवा को भी पूरे तह दिल से आदर सम्मान करती हूँ। हालांकि इनके बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि ये देश के उप प्रधानमंत्री व हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, साथ ही इन्होंने यहाँ के हरियाणा को अलग से राज्य बनाने में भी अपनी काफ़ी सक्रिय व निर्णायक भूमिका निभाई है। किसानों के हित के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष व आंदोलन भी किया है, जिसमें वे जेल भी गए हैं। इसके पूर्व में देश की आज़ादी के लिए भी इनका सराहनीय योगदान रहा है, जबकि कांग्रेस के राज में लगी इमरजेंसी में इनको भी जेल में जाना पड़ा है। इसके साथ साथ ये सामाजिक क्षेत्र में व राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। ये अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इस प्रकार से ये सीधे तौर पर देश व आम जनता से जुड़े रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वे अपने समय में खासकर खुद के अपने समाज में तथा किसानों में भी अति लोकप्रिय रहे माननीय चौधरी देवीलाल जी का आज जन्मदिवस है, जिनकी जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाने व इनके इस कार्यक्रम में मेरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के साथ साथ अपने गठबंधन के सभी छोटे बड़े सम्मानित नेता एवं कार्यकर्तागण आदि भी यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं, तो उसके लिए
मैं खासकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व चौधरी अभय चौटाला जी को तथा इनके परिवार के सभी सदस्यों को व इनके सभी अनुयायियों व समर्थकों आदि को भी इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जो ये लोग उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे हैं, और वैसे भी इस समय यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यदि बीएसपी व इनेलो का बना ये गठबंधन अपनी सरकार बना लेता है तो फिर यही इनके लिए इस बार इनको सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अब मेरा ये कहना है कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए यहाँ वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अभी ने और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है, और इस मामले में विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही कांग्रेस पार्टी और अब बाद में बीजेपी व इनके गठबंधन दल तथा अन्य पार्टियों की भी रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें अभी तक भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, और अब तो इनके इस आरक्षण को ये पार्टियां और अब तो इनके इस आरक्षण को ये पार्टियां मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई है, और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, जिस पर कांग्रेस, बीजेपी व इनके सहयोगी दल अभी तक भी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, और इस संदर्भ में यदि केंद्र की भाजपा सरकार की व कांग्रेस की तथा इनके गठबंधन दलों की भी नीति व नियत साफ होती तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए निर्णय में जिसमें कोर्ट ने एससी व एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रिमिलियर आदि को लागू करने की बात कही है, जो उसे खत्म करने व फिर करने की बात कही है तो उसे खत्म करने व फिर से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए विशेष सत्र बुलाकर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाती यदि इनकी नीयत साफ होती तथा उसे पास भी जरूर करवाती, और इसके लिए पूरा विपक्ष मिलकर सरकार पर दबाव भी जरूर बनाता, और हम भी देखते हैं कि विपक्ष कितना दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के साथ है, लेकिन ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आय निर्णय पर कुछ भी खुलकर नहीं बोला है, और इस मामले में
केंद्र की भाजपा सरकार व अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां अभी तक भी चुप्पी साधे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब SC ST आरक्षण में वर्गीकरण व क्रिमी लेयर को भी लागू करने का ये कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है, जो अब अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में भी लड़ाएंगे। अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो वे राज करो की नीति का भरपूर फायदा उठाएंगे, जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को SC व ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद व माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था, जिसे 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए वापिस लेकर इसे अब सीधे राज्य सरकारों को ही दे दिया गया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफ़ी जाति होगी। अर्थात इनका अब ये आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। और अब कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इनके सभी आरक्षण को ही आगे वक्त आने पर ख़त्म करने का ही ऐलान कर दिया है। लेकिन जब वो भारत में रहते हैं और ख़ास तौर से किसी और भारत में रहते हैं और उनको लगता है कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है तो फिर इधर आकर वो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं और क्या बोलते हैं इधर आकर कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। बाहर जाकर वो बोलते हैं हम आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं इंडिया में SC ST के, और इधर आकर बोलते हैं कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं। आप इसको कांग्रेस की क्या नीति समझेंगे? ये कांग्रेस की दोहरी नीति है, ये स्पष्ट नीति नहीं है, ये भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जो SC ST के आरक्षण के बारे में कहती कुछ है और करती कुछ है, तो आपको इस पार्टी को जो इस बार हरियाणा में तो विधानसभा काम चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में खास तौर से दलितों को इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो इन्हें आरक्षण का ये संवैधानिक अधिकार मिला है, ये कोई कांग्रेस ने नहीं दिया है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST वर्गों के लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दिया है, ये संवैधानिक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को दिया है। तो इसे बचाने के लिए अब इन सभी विरोधी पार्टियों को या आपके हरियाणा प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में कतई भी अपना वोट नहीं देना है। यदि आप लोगों को इसे बचाना अपने आरक्षण को, तो आप लोगों को कांग्रेस BJP एंड कंपनी के लोगों को कतई भी अपना मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर, बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें। वोट नहीं देना है, जो अभी तक भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आए निर्णय के संदर्भ में कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों को इस चुनाव में अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाकर इसे लागू होने से तब तक लटकाकर वह रोक कर रखना है जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए ख़त्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है। इसको आपको
राज्यों में पास नहीं होने देने का, इसको लटका के रखना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, निर्णय को, कब तक? जब तक केंद्र की सरकार कोर्ट के इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर देती है। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में या उन सभी विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय के पक्ष में है, समर्थन में है। और इनके स्थान पर अब आपको एक तरफा अपना वोट केवल बीएसपी व इनेलो के बने अपने इस गठबंधन को ही देना है, ताकि सत्ता में आकर या आपके स्टेट में, आपके हरियाणा प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए इस निर्णय पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। जब तक पार्लियामेंट में ये संशोधन बिल पास नहीं होता है तो कम से कम ये गठबंधन की सरकार बनती है तो हम उसको लागू नहीं होने देंगे, इसको लटका कर रखेंगे। तो ये इसके लिए आप लोगों को अपने गठबंधन की सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ विरोधी पार्टियों की ज़्यादातर रही जातिवादी मानसिकता के चलते देश में आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र एवं अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने व इनके सहयोगी दलों ने भी, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है, पूरा नहीं भरा है। आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफ़ी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जबकि यूपी में जब मेरे नेतृत्व में 4 बार सरकार बनी, मैंने विशेष अभियान चलाकर जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा अधूरा पड़ा था या पूरा नहीं था, उसको मैंने विशेष अभियान चलाकर इसको पूरा कराया था। इसे फिर अंत में अधिकांश, और ये क्यों नहीं भरते हैं कांग्रेस बीजेपी जो अन्य पार्टियां, इनका आरक्षण का कोटा ये पूरा क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि लोग भूल भाल जाएंगे और इसे फिर अंत में अधिकांश किसी न किसी रूप में फिर ये पार्टियां इनकी नौकरियों को सामान्य वर्गों को ही दे देती हैं। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और अब इससे पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही मिली थी, जिसके लिए बीएसपी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, जिसका भी अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की चल रही सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो इनको बहुत पहले ही ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी
प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने इनके कारवा को आगे बढ़ाने वाले वे हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते हुए एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। इन वर्गों के मामले में या मैं ये भी कहना चाहती हूँ, केंद्र द्वारा लोकसभा व विधानसभा चुनाव में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, तो उसमें एससी एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों वे आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वालों वाले लोगों का, अति पिछड़े वर्गों के लोगों के ऊपर भी शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर मामले में कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इतना ही नहीं बल्कि अपर कास्ट समाज में व जाट समाज में भी खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ आपके प्रदेश सहित पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है। इसके अलावा आपके हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नज़र आते हैं। और इनमें भी किसान वर्ग तो केंद्र के वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इनकी गलत नीतियों के कारण अब काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है और अभी भी है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की गरीब व किसान विरोधी तथा जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती हैं। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में, आपके हरियाणा प्रदेश में भी गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि का विकास होने के बजाय बल्कि यहाँ सर्व समाज में से गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए, तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और सभी समस्याओं से भी काफ़ी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अभी भी अपने देश में भ्रष्टाचार हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका अपना खुद का हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने हरियाणा प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि शुरू से ये पार्टियाँ
केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं, और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियाँ अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियाँ या गरीब व आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती है, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज़्यादातर ये पार्टियां केंद्र व आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग, गरीब लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान ही नज़र आते हैं, जबकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आज़ाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके, और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है, और हमने अपने सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों, अकलियत समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचा है। और इतना ही नहीं, आपके हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस केवल थोड़ी सी जगह देने की बात करती है, जो आवासहीन लोग हैं जिनके पास अपने जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, वो थोड़ी सी कुछ गज देने की बात करती है कि ये ज़मीन हम यहाँ के गरीब लोगों को देंगे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जब उत्तर प्रदेश में BSP की सरकार थी तो हमारी पार्टी की सरकार ने केवल उनको खाली जमीन नहीं दी, बल्कि जमीन पर उनके दो दो कमरों के पक्के मकान भी सरकार की ओर से फ्री बनाकर दिए थे, और जहां पर इनको ये पक्के मकान बनाकर दिए उनकी बस्ती डेवलप की, शिक्षा, चिकित्सालय, अन्य और सभी सुविधाएं हमने वहां इन लोगों को उपलब्ध कराई थी। केवल खाली प्लॉट नहीं दिया था, हमने पक्के मकान बनाकर दिए, और जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको भी हमने उनके बस्तियों में पूरा किया। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब माननीय श्री कांशीराम जी जीवित थे और हरियाणा प्रदेश में आते थे, आप लोग बड़े दुखी थे कि हमारे पास रोटी रोजी के साधन नहीं हैं, हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। तो उस समय आप लोग एक नारा लगाते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, आप लोग एक नारा लगाते थे, लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो रहा पा रहा था हरियाणा में, और ये कब होगा, जब आपकी सरकार बनेगी।
लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चार बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो उत्तर प्रदेश में हमने बड़ी संख्या में लाखों लोगों को, जो दलित वर्ग के लोग थे और जो गरीब लोग थे अन्य समाज में, उनको हमने किसी किसान भाई की एक इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमि इन लोगों में नहीं बांटी थी, बल्कि सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी ज़मीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी ज़मीन के दो दो तीन तीन एकड़ के पट्टे काटकर हमने भूमिहीन लोगों को, जो गरीब लोग हैं भूमिहीन लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको खेती करने के लिए हमने फ्री दी। और इतना ही नहीं, आपको ये भी मालूम है कि जहाँ पर दलित बस्तियाँ होती हैं तो वहाँ जाते ही मालूम पड़ जाता है हर गाँव में, गाँव देहात में, कि यहाँ पर दलित वर्ग के लोग रहते हैं। क्योंकि जो भी पार्टियाँ सत्ता में आई, उन्होंने आपकी दलित बस्तियों को विकसित नहीं किया। लेकिन जब हमारी पार्टी की सरकार बनी, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत, तो जहाँ पर दलित लोग रहते थे, हमने गांव चिन्हित किए अधिक तादाद में, उनको हमने इस योजना के तहत हर सुविधा से हमने उनको सुविधा मुहैया कराई, उनको सुविधा उपलब्ध कराई और उनको विकसित किया, डेवलप किया। ये भी आप लोगों को मालूम है। और उस गांव में जाते ही मालूम पड़ जाता था कि ये डॉक्टर अंबेडकर गांव है। और जब मेरी गवर्नमेंट के दौरान जब हमारे समाज के लोग अपने बच्चियों का रिश्ता करते थे गांव में, तो देखते थे कि हमारी बेटी का रिश्ता डॉक्टर अंबेडकर गांव में ही होना चाहिए, ताकि हमारी बेटी को शौचालय के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, जंगल में ना जाना पड़े। हमने शौचालय भी बनाए, अब उन्हें ये लोग अपना काउंट कर लेते हैं। यूपी में बीएसपी की सरकार में ही ये सब सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके और इतना ही नहीं, हमारे किसान भाई, मेरे ख्याल यूपी में हमारे किसान भाई चले जाएं, पश्चिमी यूपी तो बिल्कुल लगा हुआ हरियाणा प्रदेश से, तो यूपी में हमने किसानों को बहुत सुविधाएं दी। आज लोग याद करते हैं, गन्ने का रेट हमने कभी भी आज तक ना हरियाणा में ना यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार ने इतना रेट नहीं दिया गन्ने का, जितना हमने गन्ना किसानों को रेट दिया था। किसानों की भी हमने सभी समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान किया, तथा उनकी फसलों का भी उन्हें समय से उचित दाम दिया। और मैं अपने जाट भाइयों को बताना चाहती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, 2 लाख से ज़्यादा पुलिस की भर्ती हुई, तो पहले भर्तियों में रिश्वत चलती थी, तो लेकिन मेरी सरकार में मैंने बोला रिश्वत नहीं चलेगी। और बिना रिश्वत के आपके पश्चिमी यूपी में बड़ी तादाद में अन्य समाज के लोग तो भर्ती हुए, रिजर्वेशन के तहत एससी एसटी ओबीसी के लोग भी भर्ती हुए, लेकिन बड़ी तादाद में जो लोगों के दिल और दिमाग में धारणा थी कि बीएसपी जाटों के खिलाफ है, वो धारणा निकल गई। क्योंकि जब मेरी सरकार बनी और ये भर्ती हुई पुलिस की, तो बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी से जाट समाज के नौजवान बच्चे पुलिस में भर्ती हुए। और आज आप गाँवों में चले जाओ, वो यही कहते हैं कि बहन जी ने बिना पैसे के हमारे बच्चों को नौकरी दे दी, पुलिस में भर्ती कर दिया। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ देश में दलित एवं यहाँ देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी, खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में
वे हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में गरीबों एवं किसानों तथा आम जनहित के वे विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ अपने बने इस गठबंधन की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित सरकार बनानी होगी। और जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई वे प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास भी उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने हरियाणा प्रदेश के भी हित में यहाँ BSP व इनेलो के बने गठबंधन की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। और अब आप लोगों को अपने इस गठबंधन के ही उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाना है, जिसके लिए BSP के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवारों को चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर जिताना है। और फिर सरकार बनने पर ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि फिर सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे माननीय चौधरी देवीलाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से BSP का एक डिप्टी CM दलित वर्ग का, BSP की ओर से एक डिप्टी CM दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी CM अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। ये डिप्टी CM कौन होंगे इसका फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद ही लिया जाएगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से अपने इस गठबंधन के अधिकांश उम्मीदवारों को, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को जिताकर अपनी यहाँ सरकार बनाना जरूरी है, इसकी मैं पूरी पूरी उम्मीद भी करती हूँ। अंत में अब मैं केंद्र सरकार से देश में जातीय जनगणना कराने की भी विशेष मांग करती हूँ, अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ, जिसको शुरू में केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने और अब वर्तमान में चल रही BJP की केंद्र की सरकार ने भी इसे अभी तक भी लटका के रखा है, इसे अमल में नहीं लाया है। और अब मैं माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पर, आज उनके जन्मदिवस पर इनको फिर से नमन करने के साथ ही
उनके सभी अनुयायियों व समर्थकों आदि को भी पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।